लिनक्स में जनरल पर्पस यूटिलिटीज के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम अपने आप को कुछ बुनियादी लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले लिनक्स कमांड से परिचित कराएंगे। इस अभ्यास का मुख्य प्रयोजन है लिनक्स पर काम करने की शुरुआत कराना। पहली कमांड जो हम देखेंगे वह है एको कमांड। ध्यान दें, लिनक्स कमांड केस सेंसिटिव होती हैं। यहाँ सभी कमांड और उनके पर्याय छोटे अक्षर में हैं और जब नहीं है तब बताया गया है। इस कमांड का उपयोग स्क्रीन पर मैसेज यानी कोई संदेश प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। उबंटू में टर्मिनल पर जाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट टी मदद करता है। हो सकता है यह कमांड सभी यूनिक्स सिस्टम पर ना चले। टर्मिनल को ओपन करने की प्रक्रिया पहले से ही एक दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गई है। प्रॉम्प्ट पर एको स्पेस हेलो वर्ल्ड टाइप करें। एको स्पेस हेलो वर्ल्ड और एंटर दबाएं। यह स्क्रीन पर प्रथागत हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रदर्शित करता है। इको कमांड को हम वेरिएबल के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें इको स्पेस डॉलर बड़े अक्षर में शेल और एंटर प्रेस करें। आउटपुट है कि यह वर्तमान शेल इस्तेमाल हो रही है। हम इको कमांड के साथ एस्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिनक्स में हमें हाइफन ई ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। सामान्य एस्केप सीक्वेंस में टैब के लिए बैकस्लैश टी, नई लाइन के लिए बैकस्लैश एन तथा बैकस्लैश सी एक एस्केप सीक्वेंस है जिसे जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉम्प्ट को उसी लाइन पर प्रदर्शित करता है। यह उपयोगी हो सकता है यदि कुछ एंटर करने से पहले हमें प्रॉम्प्ट मैसेज यानी त्वरित मैसेज चाहिए। प्रॉम्प्ट पर एको स्पेस माइनस ई सिंगल कोट में टाइप करें एंटर अ कमांड बैकस्लैश सी और एंटर दबाएं। हम देखेंगे कि उसी लाइन पर एंटर अ कमांड प्रिंट होने पर प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होगा। आप जानना चाहेंगे कि लिनक्स कर्नल का वर्जन जो आप चला रहे हैं वह कौन सा है इसके बारे में तथा हमारी मशीन की अन्य विशेषताओं को जानने के लिए हमारे पास यूनेम कमांड है। प्रॉम्प्ट पर यूनेम स्पेस हाइफन आर टाइप करें और एंटर दबाएं। आपका यूजर नेम क्या है यह जानने के लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करें हु स्पेस एम आई और एंटर दबाएं। यह असल में हु कमांड से आता है जो कि सिस्टम में लॉगिन हुए वर्तमान उपयोगकर्ताओं की सूची बनाता है यदि आपका सिस्टम एक मल्टी यूजर सिस्टम है तो। कई दफ़ा आपके लॉगिन पासवर्ड में समझौता हो सकता है और आप उसे बदलना चाहोगे। इसके लिए हमारे पास पासवर्ड कमांड है। प्रॉम्प्ट पर पी ए एस एस डब्ल्यू डी टाइप करें और एंटर दबाएं। जब आप इस कमांड को टाइप करते हैं वर्तमान पासवर्ड को टाइप करने के लिए कहेगा। यहाँ मैं सिस्टम का करंट पासवर्ड टाइप करूँगी। जब वह सही से एंटर होगा तब आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना होगा और उसकी पुष्टि के लिए दोबारा टाइप करें। लेकिन अगर आप वर्तमान पासवर्ड को भूल गए हैं तो क्या करें? फिर भी वर्तमान पासवर्ड को जाने बिना आपका पासवर्ड बदल सकते हैं लेकिन यह सिर्फ रूट यूज़र द्वारा किया जा सकता है। अब रूट यूज़र कौन है? वह एक विशेष अधिकारी वाला व्यक्ति है। समरूपता बनाते हुए हम यह कह सकते हैं कि रूट यूज़र्स विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव पद के यूज़र के समान है। सिस्टम में दिनांक तथा समय आप जानना चाहोगे इसके लिए डेट कमांड का उपयोग करते हैं। टर्मिनल में डेट कमांड को टाइप करें डी ए टी ई और एंटर दबाएं। यह सिस्टम का वर्तमान समय और दिनांक प्रदर्शित करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं डेट कमांड हमें दोनों दिनांक और समय देता है। इसके बहुमुख उपयोग होने के साथ इसके कई विकल्प भी हैं। प्रॉम्प्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंट साइन कैपिटल टी
टाइप करें और एंटर दबाएं। यह आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के रूप में हमें समय बताता है। प्रॉम्प्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंटेज साइन स्मॉल h टाइप करें और एंटर दबाएं। यह महीने का नाम बताता है। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें डेट स्पेस प्लस परसेंटेज साइन स्मॉल m और एंटर दबाएं। यह सांख्यिक रूप में साल का महीना बताता है। यहाँ यह फरवरी महीने के लिए 02 दिखा रहा है। आपको प्राप्त आउटपुट के अनुसार इसे मिलाएं। प्रॉम्प्ट पर अब टाइप करें डेट स्पेस प्लस परसेंटेज साइन स्मॉल y और एंटर दबाएं। यह वर्तमान साल के आखिर के दो अंक बताता है। हम इन पर्यायों को संगठित कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप प्रॉम्प्ट पर टाइप करें डेट स्पेस प्लस डबल कोट्स में परसेंटेज स्मॉल h परसेंटेज स्मॉल y और एंटर दबाएं। यह फरवरी 11 दिखा रहा है। अन्य संबंधित कमांड है कैल कमांड। हालांकि यह आम कमांड नहीं है, यह हमें कोई भी महीना और साल देखने में मदद करता है। वर्तमान महीने के कैलेंडर को देखने के लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करें कैल और एंटर दबाएं। किसी भी महीने का कैलेंडर देखने के लिए मानिए दिसंबर 2070। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें कैल स्पेस 12 स्पेस 2070 और एंटर दबाएं। यह दिसंबर 2070 का कैलेंडर दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले हम फाइल्स और डायरेक्टरीज के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। लिनक्स में लगभग सब कुछ एक फाइल है। अब सवाल है कि फाइल क्या है? वास्तव में फाइल वह है जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स और पेपर संग्रहित करते हैं। उसी प्रकार से एक लिनक्स फाइल भी जानकारी संग्रहित करने की जगह है। अगला है कि एक डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी को फाइलों तथा अन्य उप डायरेक्टरीज के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है। डायरेक्टरी हमें अपनी फाइलों को व्यवस्थित रूप में आयोजन करने में मदद करती है। यह विंडोज़ में फोल्डर के समान है। लिनक्स सिस्टम पर जब हम लॉगिन करते हैं, स्वतः से होम फोल्डर में होते हैं। होम डायरेक्टरी देखने के लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करते हैं एको स्पेस डॉलर बड़े अक्षरों में होम और एंटर दबाएं। अगली कमांड हमें वर्तमान डायरेक्टरी जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे दिखाने में मदद करती है। वह है पीडब्ल्यूडी, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से जानी जाती है। प्रॉम्प्ट पर पीडब्ल्यूडी टाइप करें और एंटर दबाएं। अब जबकि हमें अपनी डायरेक्टरी के बारे में पता है, तो हम उस डायरेक्टरी की फाइलों तथा सब डायरेक्टरीज के बारे में जानना चाहेंगे। इसके लिए हम ls कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सबसे व्यापक रूप से यूनिक्स और लिनक्स में प्रयोग की जाती है। ls कमांड टाइप करें और एंटर दबाएं। अब आउटपुट को देखें। फाइलें और सब डायरेक्टरीज साधारणतः अलग अलग रंग में दिखते हैं। ls कमांड बहुमुखी है और इसके बहुत से ऑप्शंस हैं। चलिए इनमें से कुछ देखते हैं। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ls स्पेस माइनस माइनस ऑल और एंटर दबाएं। ये सभी फाइलों के साथ साथ छुपी हुई यानी हिडन फाइलें भी बताता है। फाइल नेम जो डॉट से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पर हिडन फाइलें हैं। अगर हम फाइल ही नहीं बल्कि उसके साथ और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो माइनस एल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट पर ls स्पेस माइनस स्मॉल l और एंटर दबाएं। यह हमें फाइल परमिशंस यानी फाइल आज्ञा, फाइल के अधिकारी यानी ओनर का नाम, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम यानी पिछला संशोधन समय, बाइट्स में फाइल साइज इत्यादि बताता है।
यह ऑप्शंस का विवरण इस वर्तमान ट्यूटोरियल के क्षेत्र से बाहर है। एलएस को कई ऑप्शंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम बाद में देखेंगे। इन सभी जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के बजाय हम एक फाइल में संग्रहित कर सकते हैं। असल में इस तरह से कोई भी कमांड के आउटपुट को फाइल में संग्रहित करके रख सकते हैं। कमांड के बाद राइट एंगल ब्रैकेट और फाइल के नाम को टाइप करें, अर्थात हम ls स्पेस माइनस स्मॉल l स्पेस राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइल इन्फो लिखते हैं। अब सभी फाइलों और फोल्डरों की जानकारी फाइल इन्फो नामक फाइल में जाएगी। लेकिन हम इस फाइल के कंटेंट्स को कैसे देखें, इसके लिए हमारे पास कैट कमांड है। बस कैट स्पेस और फाइल का नाम टाइप कीजिए, यहाँ नाम है फाइल इन्फो, और एंटर दबाएं। आप उसके कंटेंट्स देख सकते हैं। दरअसल कैट का एक और मुख्य उपयोग है फाइल को बनाना। इसके लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करें कैट स्पेस राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइल नेम और एंटर दबाएं। अब हम अगर एंटर दबाते हैं तो कमांड उपयोगकर्ता से निवेश यानी इनपुट के लिए इंतज़ार करता है। जो भी हम टाइप करते हैं वो फाइल में लिखा जाता है। तो कुछ टेक्स्ट टाइप करें। अब एंटर की प्रेस करके इनपुट का अंत करते हैं। अब कंट्रोल तथा डी की दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं। अगर फाइल उदाहरण के लिए फाइल वन पहले से ही मौजूद है तो उपयोगकर्ता का इनपुट इस फाइल को ओवरराइट करता है। अब यदि आप पहले से ही मौजूद फाइल फाइल वन के अंत में जोड़ना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट पर टाइप करें कैट स्पेस डबल राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइल वन और एंटर दबाएं। यहाँ कई अन्य कमांड हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं। असल में बताई गई कमांड्स में भी कई सारी ऑप्शंस हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।